आपके साथ फैजराज और आप देख रहे हैं ग्रेटर लद्दाख नेटवर्क। इस वक्त मैं कारगिल से 40 किलोमीटर की दूरी पे सांगकु सब डिवीजन में मौजूद हूँ और जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले कई दिनों से कारगिल टैक्सी यूनियन ऑपरेटर्स की तरफ से कारगिल टैक्सी यूनियन ऑपरेटर्स भूख हड़ताल पे बैठे हैं, जिसका कारण है कि ले के इनर रूट में उनको जाने की परमिशन नहीं मिलना। उनको अभी तक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है और इसके साथ ही कारगिल टैक्सी यूनियन ऑपरेटर्स ने आज 9 अगस्त को डाउन की कॉल दी है, जिसका असर आप यहां पर देख सकते हैं। सांगकु सब डिवीजन की मेन मार्केट में इस वक्त मौजूद हूं और इसका असर आप यहां पर देख सकते हैं। कंप्लीट शटडाउन है, सारी दुकानें बंद हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद है। आज इस सिलसिले में मेरे साथ यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पे मैं सांगकु की टैक्सी स्टैंड पे मौजूद हूं। सर प्लीज आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद सादिक मेरा नाम है। ओके मोहम्मद सादिक जी, आज यहां पर आप देख रहे हैं कि कारगिल टैक्सी यूनियन ऑपरेटर्स की तरफ से कंप्लीट शटडाउन की कॉल की गई है, जिसका पूरा असर यहां पे सांगकु के मार्केट में भी साफ दिखाई दे रहा है। इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैडम, सबसे पहले मैं आपकी चैनल और आपकी पूरा मीडिया हजरात का मैं मशहूर हूँ कि आपने हमारी टैक्सी ऑपरेटर की आवाज़ सुनने के लिए यहाँ पे तशरीफ लाए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह सिलसिला न कि आज से, आज 5-6 दिनों से डिस्ट्रिक्ट कारगिल के हेडक्वार्टर पे हमारे टैक्सी ऑपरेटर की तरफ से, टैक्सी यूनियन की तरफ से एक मसले को लेकर जो स्ट्राइक चली आ रही है, ये उसी का एक शाख है, उसी की तरफ ये मतलब उसी ट्रैक पे आज हमारे सांगकु हेडक्वार्टर पे भी, तहसील हेडक्वार्टर पे भी, सब डिविजन हेडक्वार्टर पे भी टैक्सी ऑपरेटर की तरफ से, यहाँ की लोकल यूनियन की तरफ से उसी स्ट्राइक को, उसी हड़ताल को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे लोग जमा हुए हैं। और हमारा ये भी आगे प्लान है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी जब तक कि हमारे टैक्सी ऑपरेटर की हमारी डिमांड फुलफिल नहीं होती है गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे ये स्ट्राइक दिन ब दिन जोर पकड़ेगा और यहाँ पे डटे रहेगा। ये हमारी आगे प्लान भी यही रहेगा। जी सादिक जी, यहाँ पर इस वक्त सांगकु सब डिवीजन की ताज़ा सूरत हाल आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारी दुकानें बंद हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से बंद है। जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारे कारगिल टैक्सी यूनियन ऑपरेटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। जी इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल सांगकु सब डिवीजन से। सलाम जिले, मैं हूं आपके साथ फायजा नाज़र, आप देख रहे हैं ग्रेटर लद्दाख नेटवर्क। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी पिछले कई दिनों से कारगिल टैक्सी यूनियन ऑपरेटर्स में लगातार भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं, जिसका कारण है कि उनकी ले में इनर रूट्स में जाने की जो डिमांड है वो पूरी नहीं हुई है। साथ ही यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी नहीं आया है अभी तक। तो मेरे साथ हैं अंजुमन साहिबुज़्ज़मान कारगिल लद्दाख के वाइस चेयरमैन, उमूर सियासी और काउंसिलर हेडक्वार्टर सांगकु से आगा सैयद अहमद रिजवी साहब। आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना टाइम देने के लिए। हम आपसे जानना चाहेंगे आगा साहब कि इस बारे में अंजुमन साहिबुज़्ज़मान से की तरफ से आपकी क्या राय है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने फरमाया कि कुछ दिनों से हमारे ज़िले कारगिल के टैक्सी यूनियन जो है वो स्ट्राइक पर बैठे हुए, बराबर हमारे अंजुमन साहिबुज़्ज़मान कारगिल लद्दाख और दो इदारे, बड़े इदारे जो है वो भी इसमें है। हम सब इन टैक्सी यूनियन वालों के हक में है और हमें ताज्जुब है कि हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको कोई इंसानों का कोई दर्द नहीं है। हमें ताज्जुब है कि इस वक्त हमारा रियासत जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटा गया, तो पहले हमारे कारगिल के टैक्सियां, बसें सब जाते हैं, श्रीनगर जाते थे, जम्मू जाते थे, इधर उधर जाते थे, वहां पर राहत थे। तो हमारे यूटी आने के बाद को तो हमारे लद्दाखियों को तो ये मिलना चाहिए था, इससे भी ज़्यादा राहत मिलना चाहिए था। तो इसके बदले में तो हमारे कारगिल के साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रहा है। क्या हमारे टैक्सी यूनियन ड्राइवर उनका रोज़ी रोटी कहाँ से वो हो जाएगा? क्या ले में
ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ ले वालों के लिए है या पूरे लद्दाख के लिए, करगिल वालों के लिए, जांस्कार वालों के लिए, द्राज वालों के लिए, सबों के ऊपर जो है ले और करगिल को मिलकर लद्दाख है। तो इस लद्दाख में अगर एडमिनिस्ट्रेशन है तो एलजी साहब जो है वो पूरे लद्दाख के ऊपर है। सिर्फ ये ऐसा लगता है कि ये ले वालों का ही एलजी है, फिर करगिल किस खेत की मौली है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से, अगर इसमें आप लोग अभी तक 4-5 दिन हो गए इस ट्रैक पर बैठा, भूख हड़ताल दिया, हमारे कुछ ड्राइवर जो है वो बिल्कुल बीमार होकर अस्पताल में एडमिट हो गया, शर्म नहीं आता है एडमिनिस्ट्रेशन को? क्या हम इंसान नहीं है? क्या करगिल में हैवानात बैठे हुए? तो आप करगिल हम अंजुमन साजमान के माध्यम से इस ये ग्रेटर लद्दाख के माध्यम से मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके एलजी साहब आप थोड़ा सा सोच समझ लें कि आप क्या कर रहे हैं। क्या आप वहाँ पर गुंडागर्दी करने देना है? गुंडागर्दी करने देना, हम भी उनको आना नहीं देंगे, हमारे भी यहाँ से ये सब है, तो फिर हमें मजबूर है और कुछ काम करने के लिए। लद्दाख में अमन और शांति लाने के लिए के बजाय आप लोग लद्दाखियों के आपस में डिस्क्रिमिनेशन करके अमनियत को सबोताज करना चाहते हैं। तो मेहरबानी करके फिर से मैं आप यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ख़ासकर मोहतरम गवर्नर साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मेहरबानी करके इस पर एक अकलाना इकदाम करके करगिल के ड्राइवरों को भी इधर उधर जाने की आप रास्ता फराहम करें। वहाँ के यूनियन को भी ठीक है, वहाँ के यूनियन है उनको भी यहाँ करगिल आना है, उनको भी जांस्कार जाना है, उनको भी द्रास जाना है, ठीक है। हम यहाँ पर किसी लेक की गाड़ियों को नहीं रोकते, वहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा नाइंसाफ़ी हो रहा है? यह अगर ऐसा नाइंसाफ़ी होता रहेगा तो हालात दूसरा होगा, हमारा चेहरा दूसरा होगा, उस वक़्त यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ज़िम्मेदार होगा, ख़ासकर एलजी साहब ज़िम्मेदार होगा। तो मैं फिर भी आपको गुजारिश करता हूँ कि सर वक़्त पर अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को आप खुद ही देखो करगिल के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि नहीं। जब हम 2010 में जब बाढ़ आया था, 2010 में जब बाढ़ आया था, करगिल में भी बाढ़ आया और लेह में भी बाढ़ आया, उस वक़्त के हुकूमत ने उस वक़्त 125 करोड़ रुपया लेह के लिए वो सेंशन कर दिया, 16 करोड़ रुपया मलबा उठाने के लिए ऑन सपोर्ट उन्होंने ये कर दिया। आज एलजी साहब हमारे करगिल में यहाँ पर संगरा में, खौज में, खांगरल में, बुधखरबू में, यहाँ पर इतने नुकसान होने के बावजूद उसको टस और मस नहीं है। क्या ये एलजी का काम है? क्या ये लद्दाखियों के साथ, करगिलियों के साथ मोहब्बत का कोई आसार दिखाई देता है? इसलिए मैं ग्रेटर लद्दाख के माध्यम से फिर एलजी साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, मेहरबानी करके ले और करगिल के दरमियान में डिस्क्रिमिनेशन करना, नाइंसाफ़ी करना छोड़कर मेहरबानी करके इंसाफ को हमारे लद्दाख में राइज किया जाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बहुत शुक्रिया आगा साहब हमसे बात करने के लिए, हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। पल पल की अपडेट्स लेके हम आपके सामने आते रहेंगे, आप बने रहिए ग्रेटर लद्दाख के साथ।